अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं फ्रूट मंडी। लास्ट आपने ब्लॉग देखा होगा सब्जी मंडी का, तो हमने सोचा था क्यों ना इसके साथ साथ फ्रूट मंडी भी एक्सप्लोर की जाए। तो आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं फ्रूट मंडी का ये ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये ब्लॉग को देखना है और बताना है कि ब्लॉग कैसा बनाए। इस टाइम हमारे हाथ में ये है स्ट्रॉबेरी। शुरू करते हैं यहाँ से हम ब्लॉग को, तो हमारे साथ चलिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? ये स्ट्रॉबेरी क्या हिसाब है? ये 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो। अच्छा, ये आती किस जगह से, मतलब कोई? ये मुल्तान से आती। सिर्फ मुल्तान से आती है? मुल्तान के अलावा कहीं और से भी आती है स्ट्रॉबेरी? मुल्तान से आती है। सिर्फ मुल्तान से आती है? भी है, लेकिन वो डब्बों में आती है। वो डब्बों में आती है, तो उसमें और इसमें क्वालिटी में फर्क होता होगा? मीठी होती है। इससे अच्छी लाठी बिक चुकी है, अभी आधी टोकर आई है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम भाई, इस वक्त सुपर आए हुए फ्रूट मंडी में हम लोग मौजूद है। ये आपके पास इस वक्त मैंने देखा ये जाम पेड़े रखे हुए हैं, ये टोकरा पूरा बेचेंगे या पूरा टोकरा बिकेगा? ये 3400 है, 3200 का आखिरी रेट है इसका, 3200 रुपए मन। 3200 रुपए मन। हाँ, ये दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार इसको 200-160 रुपए किलो बेचता है। अच्छा, तो इस वक्त आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आखिरी बचा, ये आखिरी बचा। इससे अच्छे लाटे थी कि वो सुबह सुबह निकल गए। थाईलैंड जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अंसार अली। अंसार भाई, अंसार भाई, इस वक्त आपके पास जो है माशाल्लाह ये किन्नू है। जी जी जी, क्या हिसाब है, जरा दिखाएंगे उठा के? ये जनाब 48 दाना है। ठीक है, ये आपको पड़ेगा 950 रुपए का। ठीक है, और इसमें दूसरी और भी कोई क्वालिटी है? ये 60 दाना है, ये पड़ेगा 950 रुपए का। अच्छा, ये 950 रुपए की पड़ेगी पेटी? पेटी। और ये 80 दाना है, ये आपको पड़ेगा 900 रुपए का। ये 900 रुपए की पड़ेगी? जी। अच्छा, 80 दाने हैं? 80 दाना, 80। बेर क्या हिसाब बेच रहे हो? 130 का। 130 रुपए किलो बेर दे रहे हैं ये वाले, ये देखें आप, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये जो दूसरे वाले, ये वाले 120 का, ये भी 120, ये 110 रुपए, ये थोड़े से अभी कच्चे हैं। ठीक है, ये 110 रुपए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र है। अच्छा, ये सब्जी मंडी, फ्रूट सब्जी मंडी है ना? फ्रूट मंडी, ये फ्रूट मंडी है सुपर हाईवे। अच्छा, ये आपके पास जो स्टॉल में क्या क्या चीजें हैं? मेरे पास स्टॉल में किन्नू है, मौसमी है, किन्नू और मौसमी है, और ग्रेप फ्रूट भी है। जी। किन्नू क्या हिसाब है पेटी? किन्नू मुख्तलिफ रेट में है। अच्छा, ये जो पीछे रखा हुआ बड़ा वाला, ये जो मुझे दिख रहा है, ये 500 रुपए का है। ये 500 रुपए पेटी है। इसमें कितने दाने? 60 दाने। 60 दाने। और ये जो छोटी वाली रखी हुई है, ये 300 रुपए। ये 300 रुपए पेटी है। इसमें कितने दाने? इसमें 120 दाने। और जो 1200 का पेटी है वो 200 का हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है चाचा, खैरियत से? क्या इसमें ग्रामी क्या आपका? मोहम्मद रफीक साहब, कैसे हैं, खैरियत से? खुशबाश माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपका ये स्टॉल है, इसमें आपके पास मुख्तलिफ आइटम दिख रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं आपके पास? किन्नू है, स्ट्रॉबेरी है, केवी है, मौसमी है। ठीक है, ये किन्नू की पेटी कितने की आपके पास? ये 1100 की। 1100 रुपए की? 1100। अच्छा, आगे मैंने पूछा उसके बाद 500 रुपए की, ऐसा क्या? 8 दाने 500 वाली, आगे वाले परेशान जो में है। अच्छा, और ये कीवी क्या हिसाब है? ये भी 300 का। 300 रुपए। और
सारे मिलेंगे खूबसूरत केले हर साइज का, छोटे से लेके बड़ा तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इरफान मेमन साहब। कैसे हैं? तबीयत ठीक है माशाल्लाह। इरफान साहब, आपका किस चीज़ का स्टॉल है? हमारा ये किनू आजकल आ रहा है, किनू का सीजन। किनू आ रहा है? अच्छा, किनू में मैंने देखा मुख्तलिफ साइज है, छोटा भी है बड़ा भी है, तो उसमें पेटी के रेट का भी फर्क होगा, फिर क्वांटिटी का भी फर्क होता है। तो ये जो छोटी वाली पेटी आपके बराबर में रखी हुई दिख रही है इस वक्त, 144 दाने है इसमें, 144 दाने। ये कितने की है? 400 रुपए की। अच्छा, जो पीछे रखी हुई है ये मौसमी है? ये मौसमी है, 100 दाना है। ये 100 दाना है, ये 800 रुपए की है। तो अभी माशाल्लाह आपके इर्द गिर्द मुझे खाली लग रहा है, मतलब तकरीबन माल बिक चुका है। पीछे भी है थोड़ा सा। अच्छा, पीछे भी है, सही। ये ऊपर भी आपके रखा हुआ है, ये क्या हिसाब है? ये 800 रुपए का है, इसमें 80 दाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शहजाद भाई। कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, ये आपका स्टॉल है? ये जी जी, अपने स्टॉल है ये। अच्छा, ये सारे किनू है आपके पास? ये किनू है, 48 दाना किनू होता है, ये 48 है किनू है। और ये और क्या चीज है? मौसमी भी है, मौसमी भी है, शकरी भी है, ग्रेप फ्रूट भी है, ग्रेप फ्रूट भी है। अच्छा, ये क्या, ये वाली पेटी का हिसाब है भाईजान? ये 1150 से लेके 1200 रुपए तक इसका रेट होता है। ये पेटी में 4 दर्जन आते हैं, साइज इसका फुल साइज होता है, यानी इससे बड़ा साइज और नहीं आता है। सही है। अच्छा शहजाद भाई, एक चीज और बता दें मुझे, किनू एक ही जगह से आता है या कोई अलग अलग? नहीं, ये सरगोधा से भी आता है, टोबे से भी आता है, मुख्तलिफ जगहों से आता है। तो उसमें कोई पैसों का फर्क आता है? पैसों का फर्क, पैसों का फर्क सिर्फ साइज क्वालिटी होती है। अभी मिसाल के तौर पर आजकल जैसे डिमांड चल रहा है, टोबे का ज्यादा डिमांड चल रहा है। सही, क्योंकि टोबे का किनू बड़ा है, बड़ा है, और लइए वाले का किनू जो है वो साइज में थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से इस टाइम पे टोबे का किनू का जो है हाई फाई रेट है। बाकी खाने में तो सबकी क्वालिटी एक ही जैसी होती है, क्वालिटी एक ही होती है यार, जायका एक ही होता है। बस 19-20 का अगर थोड़ा बहुत फर्क होगा, जैसे कि कोई खट्टा मीठे में 19-20 का फर्क होता है, बाकी एक ही चीज होता है वो। मेरा नाम मोहम्मद जलील खान है, मैं पिशावर फूड कंपनी से बोल रहा हूँ। ये 60 दाना मौसम्बी है, 500 रुपए की है, और किन्नू है 100 दाना 800 रुपए का, ये 72 दाना 700 साढ़े 700, और ये जो 100 दाना किन्नू है, सेट 80 दाने किन्नू 850-900। सही। और ये 100 दाना है 750-800 रुपए। सही। और ये ये किन्नू बड़ा प्यारा किन्नू रसीला किन्नू, और ये जो है 72 दाना साढ़े छह सौ रुपए का। ये सारा किन्नू है किधर का? सरगोधा का है? सरगोधे का है, ये लइया का है, लइया का है, लइये का किन्नू और सरगोधे के किन्नू में ये फर्क है कि आपको बलवाल का किन्नू मीठा रसीला और बारीक छिलके वाला मिलता है, और ये बलवाल का जो, और ये जो लइया का किन्नू होता है उसमें थोड़ा सा खटास होता है और फोपसपन होता है। अच्छा, तो इसलिए ज्यादातर लोग किन्नू सरगोधे का पसंद करना चाहते हैं। नाजरीन, ये जो आप सामने मेरे पेटी देख रहे हैं खरबूजे की, इस वक्त ये है 1600 रुपए की। इसमें कितना किलो है? ये इसमें 16 किलो है, और ये 1600 रुपए की है। इसी के साथ एक और पेटी उन्होंने यहाँ पे मुझे दिखाई है, ये रखी हुई है, ये भी 16 किलो है। क्या रुपए किलो है ये? क्या ये 1200 रुपए की पेटी है। हजार रुपए की कितना किलो है इसका? ये इसमें साबित निकलता है 13-14 किलो। ये है कहाँ का? लड़काना का है ये लड़काना का। ये आप खूबसूरत सा देख सकते हैं, ये
तकरीबन 1000 रुपए की पेटी बता रहे हैं और तकरीबन इसमें 12 किलो माल मौजूद है। और ये हम आ गए स्ट्रॉबेरी के मालिक के पास। हाँ साहब, क्या हाल है? खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह खुशबाश लग रहे हैं, जुल्फे भी बड़ी प्यारी रखी हुई है। क्या नाम है? इस्माइल नाम है। इस्माइल नाम है माशाल्लाह। हाँ साहब, ये स्ट्रॉबेरी क्या हिसाब दे रहे हैं? 190-200 का चला रहे हैं। 190-200 रुपए का डब्बा चला रहे हैं। डब्बे में कितनी है? आधा किलो वजन है। आधा किलो वजन है। ये कहाँ की है, सिंध वाली है या मुल्तान वाली है? सिंध वाली। ये सिंध वाली है। मुल्तान वाली के क्या रेट है? को टोकरी में आते हैं वो मिलते हैं तकरीबन 500-550 रुपए किलो। 550-550 रुपए का रेट है किलो चल रहा है। तो इसमें और इसमें इतना फर्क क्यों है? वो टोकरियों में आता है ना, ये डब्बों में आता है। अगर टोकरी में आता है तो रेट का तो इतना फर्क होना चाहिए ना। अच्छा भी होता है। अच्छा, वो अच्छा भी होता है। सही है। आप देख रहे हैं, आप इस वक्त अमरूद की पेटी की बोली लगना शुरू हो गई है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे व्यापारी खड़े हुए हैं और अब ये रेट लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैरियत से? क्या नाम है? मंजूर अहमद। मंजूर भाई, मंजूर भाई, ये माशाल्लाह ये अमरूद का टी आपका ही है? जी जी। अच्छा, क्या हिसाब किताब है? अमरूद अमरूद 600 से लेकर 700-500 पेटी, 800 का भी है। क्या मतलब, क्या इसके अंदर कितना क्वांटिटी होती है, वेट कितना होता है इसका? वेट 14 किलो। तकरीबन 14 किलो होता है। ये है कहाँ का? लड़काना का? लड़काना का है। तो ये जो पेटी ये वाली रखी हुई है, जी जी, ये क्या हिसाब है? ये पेटी 500 रुपए। 500 रुपए की। अच्छा, ये इसमें हरे हरे हो रहे हैं। ये हरा जो है ना, अभी सर्दी की वजह से कच्चा है। सही है। तो ये कब तक पक जाएगा? ये बस थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा, पक जाएगा। मतलब मौसम चेंज होगा अप्रैल में आके, तो अप्रैल में पक जाएगा। नहीं, अभी मतलब थोड़ा ये, अच्छा मतलब आज के हिसाब से थोड़ा सा धूप वूप निकलेगी तो ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये पीछे ये वाला जो रखा हुआ, ये कितने की है पेटी? 650 रुपए। 650 रुपए की। तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? ये पक गया है थोड़ा। अच्छा, ये कलर वाला है, इसमें भी तकरीबन 14 किलो है। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? अच्छा, ये मैंने अभी पीछे एक पैनाफ्लेक्स पढ़ा, उस पर लिखा हुआ उर्दू के अखबार बंद करे हैं पेटी में, इसकी वजह क्या है? भाई, इस अखबार के अंदर पुरानी आया तो बिल्कुल, मैंने भी अभी देखा एक पीछे उर्दू अखबार जो है पढ़ने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही बात, ये छाप रही है। सही, माशाल्लाह पढ़ने के लिए छाप रही है। ठीक है, अब ये लोगों ने इनको पेटियों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सही, पुरानी आयत होती है, अल्लाह के नाम होते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी बेद भी होती है। तो इस पे कौन अमल दरामद कौन करवाएगा? इस पे खुद लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह इतने लोग हैं, इन्होंने खरीदारी बंद कर दी है, कोई भी उर्दू अखबार नहीं खरीदता। ठीक है, उर्दू अखबार यानी ये खुद जो क्या कहते हैं यहाँ पे मंडी वाले हैं, यही इसको जो है सही कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से तो जो आ गया वो आ गया। भाई, हर आड़ती अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, अगर इसके अंदर बड़े लोग आ जाएं, मंडी के सदर साहब हैं, सही, या कोई भी लोग हैं जो इस काम को संभाल सकते हैं। ठीक है, जैसे रोडों की सफाई कराते हैं, कोई रोड के बाहर माल लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मंडी के जो बड़े लोग हैं ये उनको काबू करते हैं। काबू करते हैं बिल्कुल। इसके लिए अगर ये लोग काम कर लें तो इंशाल्लाह ये एक दाना भी नहीं आएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहरहाल, माशा को हजरात हैं, यहाँ आप देखें पैनाफ्लेक्स लगे। बिल्कुल, मैंने देखा पीछे, वो कोई भी उर्दू अखबार नहीं थी। सही है, माशाल्लाह बहुत हद तक ये उर्दू अखबार बंद हो चुका है। ठीक है, अखबार में इंग्लिश अखबार में पेटी आना शुरू हो गई है, मगर कुछ लोग हैं जो अभी भी उर्दू लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, चले, हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है। अल्लाह पाक उनको भी नेक हिदायत दे, तो वो जल्द अज जल्द जो है ये क्या कहते हैं उर्दू अखबार खत्म करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, देखें इस वक्त हम फाइनली हम पपीते पे पहुंच गए हैं। इस वक्त पूरी मंडी में हमें यहीं पर ही मिला ये पपीता। अच्छा, इस पपीते की क्वालिटी जानते हैं कि ये पपीता कहां से आया है और इसके प्राइस क्या है।
माशाल्लाह ये देखें आप, ये भाई से पूछते हैं हम इसके बारे में और इसके प्राइस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह अल्लाह बाग खुश रखे। अच्छा आजाद, ये पपीता जो है ये कहाँ से आता है? ये पपीता आता है जी दूर से, आता है सिंध के बहुत इलाकों से आता है। सिंध के इलाकों से आता है? ठीक है। अच्छा इसको आप तैयार, आप मलीर है, आप क्योंकि है ठीक है, इसे तैयार कैसे करते हैं आप? तैयार इसको मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है, ये जनाब कार्बेट से भी तैयार होता है। ठीक है, यार्ड बकरा भी है। सही, इस तरीके से आता है। अच्छा ये क्या हिसाब क्या है? ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है? हाँ। हाइब्रिड का मतलब बाहर से बीज जाता है। अच्छा बाहर से बीज जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह, तबीयत कैसी है? शुक्र माशाल्लाह। अच्छा ये मैंने देखा अभी पूरी मंडी में मुझे अनार नहीं दिखे थे, तो अभी मुझे यहाँ पे अनार दिख रहे हैं माशाल्लाह। ये कौन सा अनार है? ये ईरान का अनार है। ईरान का अनार है जी जी। क्या हिसाब है ये? 2500 रुपए का क्रेट है। 2500 रुपए का क्रेट है? कितना वजन है इसका क्रेट का? 13 किलो है। 13 किलो है तो तकरीबन ये कितने का पड़ा फिर? ये तकरीबन 190 रुपए किलो का, 200 रुपए किलो का पड़ा। 200 से जो है साइज दिखाएंगे जरा मुझे। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है ईरानी माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा ये जो कंधारी अनार, कंधारी भी कहलाते हैं ना अनार, खत्म हो गया उसका सीजन? खत्म हो गया, सीजन खत्म हो गया उसका। अच्छा उसका सीजन खत्म हो गया। चले जदा कर रहा वतन हुए हैं छोड़ दे। स्ट्रॉबेरी कहते हैं, यूरोप का तोहफा है, पाकिस्तान में आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? वकार अहमद। वकार भाई, वकार भाई माशाल्लाह, किस चीज का स्टॉल है आपका? ये हमारा स्ट्रॉबेरी का डिपो। अच्छा स्ट्रॉबेरी का डिपो है जी। अच्छा ये जो डब्बे में आती है, मैंने सुना था कि ये सिंध में, सिंध की है जी? ये सिंध की भी है और पंजाब की भी है, दोनों जगह की आ रही है इस टाइम। तो डब्बों में ही आती है? ये डब्बों की पैकिंग में है, बास्केट में आई है, गिफ्ट पैक में है। अच्छा डब्बों वाली जो है वो क्या हिसाब है? डब्बों वाली इस टाइम मार्केट में 150 रुपए की बिक रही है। सही है। और टोकरी वाली 300-350 रुपए किलो, 400 रुपए किलो बिक रही है। ठीक है, तो आपके पास क्या रेट है? हमारे पास यही रेट है, ये जो रेट है ये मार्केट का रेट है ये। अच्छा आप बता रहे हैं 150 रुपए का ये डब्बा है, इसमें कितनी क्वांटिटी है? ये हाफ के जी का बॉक्स है और ये समर सीजन में तकरीबन ये इसके हाफ प्राइस हो जाते हैं। 100 रुपए का बॉक्स भी मिलता है, 50 का भी मिलता है, 80 का भी मिलता है। ये जो है आपके हाथ में, ये सब कहाँ की है? ये भी सिंध की है। ये सिंध की है। और पंजाब वाली कितने की? आधा किलो तकरीबन। पंजाब वाली आधा किलो तकरीबन 160-170 की। 160-170 की पड़ेगी। ठीक है जी जी। तो ये बस गरीब की, ये गरीब की खुराक यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 100 रुपए की भी मिलेगी और 20 रुपए की भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चीनी कभी 100 से 20 की नहीं मिलेगी, ये बात हकीकत है। इसके क्लास है, इसका अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। सही, जिसको जो जो अफोर्ड कर सकता है वो खा सकते हैं। चले ठीक है, वगैरह अभी आपसे लेते हैं हम। ये गरीब आवाम जो है ना पिस जाएगी, मर जाएगी। सही, इसमें इतने अखराज आ रहे हैं तो हम नहीं आए मंडी के अंदर। अब दूसरी जो फसल उतरेगी ना, तो फसल आएगी, फसल भी मौजूद है। तो बेटा फिर इंजॉय कर रहा हूँ मेरा मंडी में, कैसा लग रहा है यहाँ आना? अच्छा लग रहा है, जबरदस्त भाई। देखिए जबरदस्त चीजें मौजूद है भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद। माशाल्लाह पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? क्लास 2 में। माशाल्लाह यहाँ आप क्या करने आए? अब्बू के साथ आए, मतलब अब्बू बिजनेस देखने आए? माशाल्लाह आते रहते हैं पहले या पहली दफा आए? आते रहते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा, ये सैटरडे संडे का जो है छोटू सेल्समैन है हामिद। आप ये देखिए आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, ऊपर करें, ग्रेप फ्रूट है ये। क्या हिसाब है ये? प्राइस नहीं पता आपको? चलें भाई, सेल्समैन है, अभी नए नए हैं, ट्रेनिंग पर है ये,
500 रुपए की पेटी बता रहे हैं ये भाई इनके मुझे। इसमें वेट कितना होता है, कितना किलो है वेट इसमें? 24 दाने इसके अंदर। चले हामिद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को जारी रखें। इसकी पैदाइश तो पहले ज्यादा हो गई, 40 साल से भी ज्यादा हो गई। इनसे आप ये इंटरव्यू ले, चले अभी लेते हैं जरा मंडी के, मंडी का हाल अहवाल भी हो ना जी। उठे ना अभी 10 हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आफताब आलम। आफताब आलम भाई, आलम खान एंड सन्स के नाम से माशाल्लाह फ्रूट मंडी में दुकान। अच्छा आफताब भाई, आपके पास क्या क्या है गोदाम के अंदर? आपका किस चीज का मतलब ये स्टोर है? हमारे पास जनाब जूस के आइटम जो होते हैं ना, जो जूस में जितने फल इस्तेमाल किए जाते हैं, जूस और शेक्स में हमारे पास वो आइटम मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब जैसे सेब हो गया, एप्पल है, ग्रेप फ्रूट, मौसम्बी, कीनू, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी, खजूर, पाइनएप्पल, ये आइटम हमारे पास आपको मिलेंगे। अच्छा मैं सुबह से मंडी में आया हूँ, मैं एक चीज देख रहा हूँ, रश बहुत कम है, उसकी वजह? रश की वजह है जी, जो मेजर वजह है इस वक्त आपको शायद इल्म हो, कराची और औरंगी टाउन इज्तमा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ज्यादातर जो लोग हैं आज इज्तमा इख्तिताम पे है, तो दुआ है। बिल्कुल, तकरीबन सारे लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर दुआ के लिए फजीलतें हासिल करने के लिए गए। बरकतें वहीं से मिलती हैं, वहीं से मिलेंगी, फिर कारोबार है। बिल्कुल जी, तकरीबन ही मंडी में से हर दुकान का एक फर्द लगभग एक फर्द लाजमी जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये आप कितने अरसे से, मतलब ये पुरानी सब्जी मंडी जो जेल चौरंगी भी थी वहाँ से है या आपने यहीं पर ही आके स्टार्ट किया है? जनाब ये 1943 में मेरे दादा अबू माशाल्लाह सदुल्ला खान परदेसी ने, जबरदस्त, जब हिंदुस्तान का वक्त था, बिल्कुल बिल्कुल, फ्रूट की लाइन में उन्होंने कदम रखा बर्रे सगीर हिंदुस्तान के वक्त। सही, ये बोल्टन मार्केट में सिटी स्टेशन के सामने मंडी हुआ करती थी जी, अभी सर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में, बर्तानिया के दौर में, उस वक्त से ये दुकान है। सही, कुछ अरसा रहने के बाद जब पाकिस्तान आजाद हुआ जी, तो लगभग 54-56 में वहाँ से मंडी उठा करके इकबाल मार्केट लाई गई। इकबाल मार्केट गार्डन, गांधी गार्डन, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, इसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो इकबाल मार्केट, जहाँ पर अब भी कुछ केले के स्टोर वगैरह कुछ निशानियाँ बाकी हैं। बिल्कुल, फिर कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद जब आबादी बढ़ गई, फिर वहाँ से उठा करके पीर बख्श इलाही, सही, PIB कॉलोनी जिसे कहा जाता है, यहाँ मंडी लाई गई। लगभग 36 साल मंडी यहाँ रही। सही, यहाँ हमारे दादा ने वहाँ पर भी, फिर उसके बाद सन 2000 में जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट में वहाँ से मार्केट को उठा करके सुपर हाईवे पे ले आए। सुपर हाईवे पे ले आए, तो लगभग इसे एक एवरेज मैंने कैलकुलेट किया तो तकरीबन 82-83 साल हो गए इस दुकान को जिस पे आप खड़े हैं। अच्छा ये बताएं कि वहाँ के शहर से बनिस्बत यहाँ हाईवे पे जी फर्क है, मतलब आपको ट्रेवलिंग का और जो है क्या कहते हैं? जिस वक्त मंडी आई थी जी सन 2000 में यहाँ पर जब आई थी मंडी, तो बड़े मुश्किलात थे, बड़े मामलात थे, सफर के, रिहाइश लोगों की दूर थी, लोगों के कारोबार कुछ खराब भी हुए, कुछ चमक गए, कुछ खराब हुए। बिल्कुल, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे पुरानी PIB कॉलोनी में तमाम आप देखेंगे फ्रूट और सब्जी वाले रिहाइश पजीर थे, यहाँ आने के बाद लोगों ने मेवार, बिल्कुल, और इसके अतराफ के इलाके, गुलशन के अतराफों, इसके इलाकों को तरजीह दी। बिल्कुल, इस तरफ लोगों ने रिहाइश की, तो हमने भी, सही है, मेमार के करीब एक इलाका है अल हबीब सोसाइटी, हमने भी वहाँ रिहाइश की। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले तकरीबन ही ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अंदरून ज्यादा शहर से आते हैं, ज्यादातर लोगों ने यहीं पर कर लिया अपने आस पास। चले चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके एक दोस्त हैं, इनका आपने मुझे इंट्रोडक्शन दिया। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या नाम बताया था? कराची जूस सेंटर, शाह फैसल कॉलोनी। चले कराची फ्रूट सेंटर, जूस सेंटर, शाह फैसल में। शाह फैसल किस तरफ पे? शाह फैसल कॉलोनी एयरपोर्ट से के सामने, जब आप जाएंगे नाताकान स्टाफ की तरफ, तो शमा शॉपिंग सेंटर है। जी जी बिल्कुल, शमा शॉपिंग सेंटर है, चौक के अंदर, उसी चौक पर है शाह फैसल कॉलोनी के। अच्छा माशाल्लाह, कितने अरसे से वो शॉप आपकी? तकरीबन हमें वहाँ 50-55 साल। माशाल्लाह, वाले साहब पहले वहाँ कारोबार करते थे, मेरे चाचा थे, खुद आ गए, मेरे से छोटे भी आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब वो पीढ़ी से पीढ़ी चलती जा रही है। तो आप जितना भी वहाँ आपकी शॉप के लिए, जूस सेंटर के लिए जितना भी फ्रूट जाता है, वो भाई की क्या कहते हैं शॉप से ही जाता है?
माशाल्लाह, तो फिर तो आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती यारी भी होगी होगी। चले अल्लाह पाक खुश रखे, इंशाल्लाह आपकी दुकान का विजिट भी करेंगे और फिर आपको वहाँ पे मुलाकात भी करेंगे। रात को कब तक होती है शॉप? मेरी शॉप 24 घंटे 24 घंटे होती है। चले फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे किसी वक्त आके। जजाक अल्लाह। अच्छा तो दोस्तों, ये था एक फ्रूट मंडी का व्यू जहाँ पे हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी की वजह से फ्रूट्स थोड़े से कम है मार्केट में, और बाकी मार्केट में जो सन्नाटा है उसकी एक अहम वजह यह है कि कराची में 3 दिन से इज्तिमा चल रहा था जो आज सुबह जो है वो खत्म पजीर हो गया है, और जिसकी वजह से मार्केट में जो है ना वो आप बिल्कुल सन्नाटा देख रहे थे। तो दोस्तों ये था ओवरऑल फ्रूट मंडी का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।